पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एक्स्ट्रा लार्ज पकवानों को काफ़ी पसंद किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में भी एक्स्ट्रा लार्ज पराठा 11 सालों से लोगों को पसंद आ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजधानी देहरादून में मिलने वाले पहलवान पराठा की। आप उसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि पहलवान है तो बड़ा होगा ही। पहलवान पराठा न सिर्फ साइज़ में बड़ा है बल्कि इसका स्वाद भी बहुत उम्दा है। राजधानी देहरादून में जब मसूरी की ओर आप जाएंगे तो मसूरी रोड पर ही आप देखेंगे कि पहलवान पराठा ढाबा मौजूद है। मसूरी जाते पर्यटक इसका नाम देखकर ही रुक जाते हैं और फिर यहाँ के पराठे का स्वाद ज़रूर लेते हैं। आपको बता दें कि पहलवान पराठा ढाबा में सिर्फ एक ही तरह के पराठे का स्वाद नहीं मिलता है बल्कि यहाँ आपको आलू पराठा, प्याज पराठा, पनीर पराठा, मिर्च पराठा, हरा भरा पराठा, ड्राई फ्रूट पराठा, लहसुन पराठा, अचारी पराठा, लच्छा पराठा और शाही पराठे जैसे तकरीबन 40 वैरायटी के पराठे खाने के लिए मिल जाएंगे। देहरादून में यहीं भी है, बिराजपुर रोड पे ही, बीआईटी कॉलेज के पास हमारा पहलवान पराठा ढाबा। हाँ, एक प्रेम नगर में है वो पहलवान पराठा ढाबा, वो भी अपना ही है क्योंकि ये पहलवान काफ़ी बड़ा पराठा होता है। अच्छा पराठा, काफ़ी बड़ा है और शुद्ध है, नॉनी घी के साथ है, बढ़िया है। ऐसे कोई काफ़ी अच्छा है पराठा भी। वो पहले दादाजी थे, वो पहलवान पराठे के नाम से ही काम करते थे। नहीं, वो यूपी के रहने वाले थे, हम यूपी के रहने वाले हैं, गाजियाबाद। पराठे सारे तरह के हैं, तवा भी है, तंदूरी भी है, मिक्स पराठा, गोभी पराठा, सब पराठे, सब तरह के पराठे। मिक्स पराठे में सारी सब्जी वगैरह होती है, वेजिटेबल होती हैं और प्याज का पराठा है, आलू का पराठा है, सब पराठे, सब तरह के पराठे हैं। तो अगर आप खाने पीने का शौक़ रखते हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आकर पराठे का स्वाद ट्राई करें। हाँ जी, हाँ जी, कैसा लगा? हाँ ठीक है, पराठा अच्छा है। आज अगर वहाँ से कंपेयर करेंगे तो मैं थोड़ा मतलब नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर एक वो अपना स्टेट वाला आ जाता है तो मैं वही कहूँगा। हाँ, ए लिटिल बिट, बट थोड़ा और अच्छा सकता है। यहाँ आप तंदूर और तवा दोनों तरह के पराठे बनवा कर खा सकते हैं और इन दोनों का अलग अलग स्वाद है। अगर जिन लोगों को गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ पराठे खाने हैं तो वह तंदूर में इसे लगवा सकते हैं, जबकि जो लोग थोड़ा ऑयली खाना चाहते हैं तो वह तवे पर पराठा बनवा कर खा सकते हैं। देहरादून से लोकल 18 के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।